एंटी रोमियो स्क्वाड मनचलों और सौदे किस्म के जो आवारा लड़के हैं उन पर लागू होगा, उन पर कार्य करेगा। कुछ उपाय बताओ जिससे जिंदगी सीधे रास्ते लग जाए। तुम ठहरे टेढ़े आदमी, जिंदगी अगर सीधे रास्ते पे लगानी है तो उल्टा सोचो। चकला, अगर हम लोग मिलकर बिजनेस खोलते हैं तो इसमें भी तो कानूनी दिक्कत नहीं है। अबे चलती फिरती ब्रेन ट्यूमर हो तुम, मैं होटल खोलने की बात कर रहा हूँ। हमारे होटल की खास बात ये होगी कि हम घंटे के हिसाब से रूम देंगे। घंटे के हिसाब से कौन होटल चलाता है भाई? अबे तभी तो लड़के लड़के आएंगे, इश्क लड़ाने, कागज पत्तर दिखाएंगे, डायरेक्ट रूम में एंट्री। कितने पंगे हैं पिछुआ, ना बढ़िया आइडिया अपने पास। आपका वो पुराना वाला लॉज नहीं है, लोग उसको भूतिया भूतिया बोलते रहते हैं। और आपको बोल दो, तुम भी बोल दो। आपके होटल की चद्दर धुलना बहुत है टेढ़ा काम है। क्यों भाई? अरे औरी जगह धुलो और सुखा के दई दो। और आप किया, पहले सुखाओ फिर धुलाओ और फिर सुखाओ। ये प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि है। जब तक यह अश्लीलता जारी रहेगी ये हिंसा भी जारी रहेगी। बिल्कुल सच्ची, तुम केस करोगे गुंडी पे? हाँ, और पुलिस पे भी। बंदा बंदी जब है राजी, बीच में काहे का काजी, प्यार के चक्कर में बेबे देखो हम बन गए अपराधी। करते हम मनमानी है, चलती प्यार की वाणी, मन में इनके राम भजन और अंकल देखे सानी सानी। मेरे काबिल दोस्त अदालत का ध्यान भटका रहे हैं। मिस रोजी को कैसे पता चला कि मैं काबिल हूँ या नहीं? और मिस रोजी, हमारी और आपकी दोस्ती कब? घर जाने का ना है मन सजना, अपनी सजनी के संग आए हैं करने पूरा पर अपना ठिकाना, होटल मिलन। वो सोने के अंडे देने वाले मुर्गी के बारे में सुने हो क्या? हाँ? बस वही है, आज एंटी रोमियो कल कुछ और होगा।